हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भामाशाह तन सिंह चौहान के परिजनों ने ऑक्सीजन के 250 सिलेंडर उपलब्ध कराए। भामाशाह स्वर्गीय तन सिंह चौहान हमेशा संकट के दौर में जिले में सेवा कार्यों में हमेशा आगे रहते थे। उसी परंपरा को निभाते हुए स्वर्गीय तन सिंह चौहान के सुपुत्र जोगेंद्र सिंह व राजेंद्र सिंह ने वर्तमान संकट के दौर में संजीवनी साबित हो रही ऑक्सीजन के 250 सिलेंडर प्रशासन को उपलब्ध कराए हैं। साथ ही भामाशाह के परिजनों से 200 और ऑक्सीजन सिलेंडर देने का भरोसा दिलाया है। इस मौके पर मौजूद बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन व कलेक्टर मोहन दान रत्नू ने भामाशाह जोगिंदर सिंह का हृदय से आभार व्यक्त किया है। विधायक मेवाराम जैन ने बाड़मेर वासियों से पुनः आम जन से अपील की कि संकट के इस दौर में मास्क अवश्य लगाएं, बहुत जरूरी होने पर ही मास्क लगाकर घर से निकले, सरकार के गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करें। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए मेवाराम जैन विधायक बाड़मेर इन्होंने ये कहा। आज तन सिंह जी चौहान के सुपुत्र जोगिंदर जी ने और राजेंद्र ने 250 सिलेंडर ऑक्सीजन के जो अभी आपके सामने है ट्रक करके आई है 200 और दे रहे हैं। ये बाड़मेर के लिए बहुत बड़ी सौगात है, जो हम जिस ऑक्सीजन के लिए इतने दिन चिंतित थे और इधर उधर भटक रहे थे, तो इन्होंने शानदार व्यवस्था की है। मैं बाड़मेर की जनता की ओर से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमेशा तन सिंह जी सेवा के भाव में जो करते रहे थे उन्हीं पद चिन्हों पर आप चल रहे हैं और जिस तरह से सेवा कर रहे हैं बहुत बढ़िया बात है। और मैं बाड़मेर की जनता को भी इस मौके पर यही कहना चाहूँगा कि इस कोरोना महामारी में हम इस कोरोना गाइड का पालन करें। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकर राम इकबाल की रिपोर्ट।